हाय डियर स्टूडेंट, मैं आपके साथ अरविंद सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल में रिजल्ट मेकर में बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में जो हम करने वाले हैं वो सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 4 है और मैं आज अलग अलग क्वेश्चन का एक से एक ट्रिक लेके आ रहा हूँ। आपको पता है कि विश्वास नहीं हो रही होगी, लेकिन आपको विश्वास तो अभी तो होगा ही नहीं, ये मैं भी जानता हूँ, क्योंकि बिना प्रमाण का आज तक किसी को विश्वास नहीं हो रहा है, तो फिर हम पे विश्वास क्यों करोगे। तो भाई, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ वो इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं A to Z ट्रिक के साथ, मतलब ज़बरदस्त टेक्निक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। और ये जो भी मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ सारा एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। तो चलिए देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनसे पहले मैं ज़रूर कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, जो पार्ट 4 बन रहा है, उसका जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 1-1/2 है, 1-1/3 है, 1-1/4 (n) है, ये (n) तक जा रहा है, इनफाइनाइट सीरीज जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे आप बनाओगे, बस ये देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक छोटा सा टेक्निक समझना। ठीक है, अगर मेरा 1+1/3 है, अगर ये प्लस है, लेकिन यहाँ 1 होगा तभी, 1+1/3 है, तो इसको डायरेक्ट वे में क्या करना है डियर स्टूडेंट, हर में अंश को जोड़ देना है, हर में अंश को जोड़ देना, यानी कि डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को जोड़ देना है, है ना, और उसको न्यूमरेटर बना के डिनोमिनेटर को ज्यों का त्यों लिख देना। तो देखो भाई, 3 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से देखो 1/5/7 है। ठीक है, 1+5/7 है, तो ये 1 को कुछ नहीं करना, बस 7/5 कितना हो गया, 12/7 हो गया। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट देखो माइनस के साथ, अगर 1-8/9 है, 1-8/9 है, तो कुछ नहीं। देखो भाई, मैं कॉन्सेप्ट के देता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो पावर होता है कंपटीशन में, इसलिए ट्रिक्स भी सीखेंगे, कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, ताकि अलग तरीके से हो, कुछ भी देखो कुछ नया करने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। ठीक है, अब माइनस है तो ससुरी क्या करेंगे, 9 में से, यानी कि हर में से अंश को घटा देंगे, तो 8 में से 9 गया तो कितना हो गया, 1/9 हो गया। एक और देखो, 1-7/11 है, तो क्या करेंगे भाई, तो 11 में से 7 घटा देंगे, 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो गया, 4/11 हो गया। उम्मीद करते हैं ये टेक्निक आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर ये टेक्निक अगर आपको समझ में आ गई है तो आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो भाई, इसको क्या करोगे, इसको जो सॉल्व करेंगे तो 2 में से 1 गया 1/2 गुना, 3 में से 1 गया 2/3, फिर क्या करेंगे, 4 में से 1 गया 3/4, .. है तो मल्टीप्लाई कर दो, n में से 1 गया n-1/n, भाई यही लिख सकते हैं ना, यही लिख सकते हैं ना। अब देखो, ये .. वाली प्रश्न में है क्या है कि बहुत सारी चीज़ कटने के लिए आती है, बहुत सारी चीज़ें कटने के लिए आती है, बाद में जाके आंसर होती है। तो कटेंगे क्या क्या, देखो भाई, ऊपर में 1 है तो नीचे में 3 है, तो ये तो कटेगा नहीं, लेकिन यहाँ देखो हर 2 है और अंश कितना है, 2 है, तो ये ससुरा कट गया, ये कट गया, देखो पहले हर से अगला अंश कट रहा है, तो ये भी कट गया, तो आगे ये भी कटेगा, और नीचे में जो ससुरा होगा ये भी कटेगा, क्योंकि सिक्वेंस देखो कटने का ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है। तो अब कुछ नहीं भाई, ऊपर में 1 है तो 1 हो गया, पहला का अंश बचा तो अंतिम का हर बच गया, तो इसका मतलब 1/n आंसर हो गया, समझ में आ गया होगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसी के तरह का जबरदस्त नया क्वेश्चन लेकर आ रहे, 2 नंबर का गर्दा उड़ा देंगे, लेकिन इसके लिए आपको अंत तक देखना है, अंत तक देखेंगे तो मज़ा आएगा। और डियर स्टूडेंट, अंत में आपके लिए क्वेश्चन भी छोड़ के जाऊंगा, अगर आप इस लेक्चर को पूरा देखेंगे तो वो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, इसलिए चलिए दूसरा क्वेश्चन को आपको दिखाते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं आज के लेक्चर का, जबरदस्त सब क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, बस आप हमारे साथ बने रहें। देखिए कहता है m/3, इफ़ यदि m/3 = n/4 = 0/7, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ m + n + o/o,
यानी m प्लस एन प्लस ओ बाय ओ का वैल्यू निकालना। डियर स्टूडेंट, उससे पहले मैं एक छोटा सा लॉजिक बता रहा हूँ। देखिए भाई, अगर x बटे टू इक्वल टू, पहला लॉजिक देखो, x बटे टू इक्वल टू y बटे थ्री, यानी x बाय टू इक्वल टू y बाय थ्री। जब तक यहाँ पे x और y का मान नहीं निकल जाता, तब तक हम किसी भी इक्वेशन में x और y का वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो जब इस तरह का इक्वेशन हो तो भाई x का मान नीचे वाला होता है, y का मान नीचे वाला होता है। तो इसका मतलब है कि भाई x का मान 2 ले लेंगे, y का मान कितना ले लेंगे, 3 ले लेंगे। ठीक है, दूसरा रूल्स देखिए, x बाय फोर इक्वल टू y बाय सेवन इक्वल टू z बाय थ्री। ठीक है, x बाय फोर इक्वल टू y बाय सेवन इक्वल टू z बाय थ्री। तो अब यहाँ पर जब x y z का वैल्यू निकालना है, तो जब तक हम x y z का वैल्यू नहीं निकालेंगे, तो हम किसी भी इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो भाई वैल्यू कैसे होगा, वही तरीका है भाई, x का मान नीचे वाला होगा, y का मान नीचे वाला होगा और z का मान नीचे वाला होगा। तो देख लीजिए भाई, x का मान 4 हो गया, y का मान 7 हो गया, z का मान 3 हो गया। भाई जब इस तरह का वैल्यू अगर आप निकाल लेते हो ना, तो किसी भी इक्वेशन में आप आसानी से वैल्यू पुट करके और इस तरह का क्वेश्चन को आंसर आप आसानी से दे सकते हो। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भाई m का मान कितना हो गया, 3 हो गया, n का मान 4 हो गया, z का o का मान कितना हो गया, 7 हो गया। तो चलिए m का मान पुट करते हैं, 3 प्लस 4 प्लस 7 बटे o का मान 7 है। भाई जोड़ लीजिए, 14 बाय 7 गोज टू 2, 2 कट जाएगा, तो आंसर हो गया भाई ए नंबर, आंसर हो गया ए नंबर। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो भाई कमेंट मांगता है, ठीक है, कमेंट मांगता है कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, क्योंकि आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन डियर स्टूडेंट, अगर वाकई में वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के लिए शेयर कीजिए, अपने लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब मैं वीडियो कोई अच्छा सा अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो क्या होगा, उसको देख लोगे तो फिर माइंड से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, SSC का पूछा हुआ है। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं भाई, ये कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो होता है ना भाई, पावर होता है। मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ, और मैं वीडियो के साथ साथ क्वालिटी देता हूँ, और क्वालिटी के साथ कॉन्सेप्ट देता हूँ। तो आइए भाई, कैसे कॉन्सेप्ट है भाई। देखिए, पहली बात तो आप ये समझिए, मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ कि अगर मेरा बेस समान हो, अगर मेरा बेस सिमिलर है, अगर मेरा बेस सिमिलर है तो मल्टीपल में अगर होगा तो ये पावर क्या होता है भाई, प्लस हो जाता है, पावर प्लस हो जाता है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगर मेरा बेस सिमिलर है लेकिन ये भागा में हो, भाई बेस सिमिलर हो लेकिन ये डिवीजन में हो, तो ये पावर क्या होता है भाई, माइनस होता है, पावर माइनस होता है। तो मतलब सीधा समझाना, बेस सिमिलर हो और मल्टीपल में हो तो पावर ऐड हो जाती है, डिवीजन में हो तो पावर माइनस हो जाती है। दो बातें आप समझ गए होंगे, और ये समझने की बात में, ये बातें भाई बचपन से इतना बार हम लोग को पढ़ाया गया है, ससुराल भूल नहीं सकते हैं, है ना। और कितनों भी गाना गा लेंगे, भुला देंगे तुझको सनम धीरे धीरे, लेकिन क्या है कि कहने के लिए कह देते हैं, भुला देंगे तुझको सनम धीरे धीरे, लेकिन हकीकत तो ये देखो, ससुरा खाते वक्त, सोते वक्त, हंसते वक्त वक्त और ससुरा हमेशा ओकरे याद आते हैं, जिसको हम भूलने की कोशिश करते हैं वो बार बार याद आता है। इसलिए ये सब कहने का चीज़ है ना, लेकिन होता ही नहीं है। आजकल तो नया नया गाना आया है ना, ए खुदा अपने बादलों से कह दे, मेरा यार हंस रहा है बारिश करा दे। कहा भाई बारिश करवा दे, हैं देखो कितना कहता बारिश करवा दे, लगता है कि दोनों खुदा और आदमी में दोनों में कनेक्टिंग हो गया। ससुरा इतना बड़ा खुदा तू कहेगा और वो बारिश करवा देगा, भाई गाना उना को छोड़ो, ये क्वेश्चन समझो। ठीक है, आ जाओ, तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है भाई, कि अब दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, एक्स पर पावर एम गुना वाई पर पावर एन है, बट एक्स पर पावर ए गुना वाई पर जेड वाई पर पावर बी है। अब देखो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं भाई, x पर पावर m बट x पर पावर a गुना y पर पावर n बट y पर पावर b लिख सकते हैं। इसको अलग अलग आप तोड़ सकते हो तो इसको आप शॉर्टकट में क्या लिखोगे भाई, ये देखो बेस समान है लेकिन डिवीजन में है, तो क्या लिखोगे, x पर पावर m माइनस a, x पर पावर m माइनस a। अब इसको फिर इंटू में लिखेंगे, इंटू है तो y पर पावर क्या लिखेंगे भाई, y पर पावर क्या लिखेंगे, n माइनस बी, n माइनस बी। तो अब यहाँ पर समझ में आ रहा है ना, तो ये बीच का लाइन जो हम खत्म करेंगे, बीच का लाइन क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। अब क्या है कि भाई कंपटीशन में थोड़ा सा आपको जो है ना
ऊपर नीचा करना पड़ेगा, कुछ लाइनें जो है ना भूल जाना पड़ेगा, हर चीज़ चाहोगे हम लिख लिख करके दे तो फिर नहीं हो पाएगा। अब वो जमाना नहीं रहा भाई कि प्रेम पत्र के अनुसार पूरा प्रेम पत्र रात में भर रात लिखे, है ना, पता चला सुबह देने से पहले पापा पढ़ लिए, ये जो ससुरी जो है ना, ये जो राधे वाला बाल है, पता चलेगा पापा को पढ़ने के बाद ही गजनी में बदल गया। एक खातिर आजकल ये सब नहीं करो, आजकल ससुराल डायरेक्टे जमाना है, व्हाट्सअप कॉलिंग है, वीडियो कॉलिंग है, डायरेक्ट कॉलिंग करके सीधे बोल देंगे आई लव यू, अगर एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करो, नहीं तो रिजेक्ट करो, दूसरा को ट्राई करेंगे, कंडीशन ये बता रहे। आ जाओ तो अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे भाई, ये देखो बेस सेम है, बेस सेम है, ये डिवीजन है तो एम माइनस ए हो गया, डायरेक्ट हो गया। दूसरा देखो बेस सेम है तो एन माइनस बी हो गया, तो ये ससुरी बीच वाला लाइन को जो बिचौलिया को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो हमको लगता है कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, तो चलिए ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो भाई क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करते मजा आएगा, ठीक है, क्वेश्चन करते मजा आएगा, और मजा आए तो कॉमेंट करना, मजा आए तो कॉमेंट करना, है ना, क्योंकि हम आपकी कॉमेंट के लिए इंतजार करते रहते हैं भाई, कि आपके मन में क्या है, मेरे मन में क्या है तू कहो तो अभी मैं बता दूँ, लेकिन तेरे मन में क्या है, तू लोग के मन में क्या है, जब तक कमेंट नहीं करोगे तो हम जानेंगे कैसे भाई, इसीलिए एक बार कमेंट करना, फिर बाद में हम बताएंगे मेरे मन में क्या है, तेरे मन में क्या है, अगर मन का मिलान हो गया तो फिर आगे कुछ बातें हो सकती है। आ जाओ अब देखो भाई, ये बेस समान है, ये बेस समान है, भागा में है, तो पहला क्या कर लेंगे भाई, माइनस एक में से माइनस, मैं भागा में तो पावर माइनस होता है, तो माइनस एक में से अगर माइनस दो घटाएंगे तो भाई माइनस एक में से अगर घटाएंगे दो तो क्या हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस तीन हो गया, कितना हो गया, माइनस तीन हो गया, तो इसको माइनस तीन लिख सकते हैं गुना। अब देखो सेवन में दो में से माइनस करेंगे, अब देखो दो में से माइनस माइनस फोर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता, दो पे पावर छः हो गया, दो पे पावर छः हो गया। अब ये ससुरा पावर देखो, ये पावर जो है ना दोनों में गुना होगा, अब चलो एक लाइन बढ़ा देते, क्या दिक्कत है, लेकिन आप लोग एग्जामिनेशन में शॉर्ट करना, हम थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखो अपने लिए अगर करते तो ये स्टेप छोड़िए देते, लेकिन तोरे लोग के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा लिखना लाजमी बनता है, ये तो पता चलेगा कि ससुरा हम पढ़ा रहे उधर दिल टूट रहा है ना, बाद में घर में आएगा दिल टूट गया, अरे ससुरा दिल टूटता नहीं है, है ना, वो एगो भरम होता है कि टूट गया, और दिल टूट जाता है तो ससुरा जियेंगे कैसे, के लिए ओघरा जाते ऐसे, ठीक है। अगला देखो भाई, बेस समान है, बेस समान है, अब माइनस दो में से अगर माइनस तीन घटाएंगे तो जस्ट इसी तरह से माइनस पाँच हो गया, अब देखो सात में से माइनस करेंगे तो सात पर पावर कितना होगा, आठ होगा, जस्ट उसी प्रकार है, अब गुना माइनस पाँच बटा दो कर देना, ठीक है, माइनस दो कर देना। अब देखो भाई आगे क्या है, ये पावर दोनों के लिए, ये भी पावर दोनों के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भाई पाँच पे पावर ये कितना हो जाएगा, पावर गुना होता है, देखो एक्स पे पावर एम हो और इस पे पावर होल एन हो तो ये पावर आपस में क्या होता है, गुना होता है, तो एक्स पे पावर एम गुना एन हो जाता है, हो जाता है, सबको पता है, ठीक है। अब देखो ये सत्या इक्कीस, सत्या इक्कीस, इक्कीस बटे दो हो गया गुना, अब देखो सच्चा के बयालीस, सच्चा के बयालीस बटे दो हो गया गुना, अब देखो ये पाँच पे पावर कितना हो गया, माइनस पाँच गुना माइनस पाँच करेंगे तो पच्चीस पे पावर दो हो गया, अब देखो सात पे पावर अठ पंच चालीस माइनस चालीस बटे दो हो गया भाई, समझो थोड़ा सा समझो, ज़्यादा नहीं समझना है। अब देखो ये अगर मान लो भाई ये क्या करेंगे, अब देखो कि ये देखो कटा देंगे तो ये कितना हो गया, माइनस टेन पॉइंट फाइव हो गया, ठीक है, माइनस टेन पॉइंट फाइव हो गया, कटा देना है भाई तो कितना हो गया, कटाओगे तो माइनस टेन पॉइंट फाइव हो गया, अब इसको दो से कटाओगे तो कितना हो जाएगा, इक्कीस हो जाएगा, अब इसको दो से कटाओगे तो कितना हो गया, ट्वेल्व पॉइंट फाइव हो गया, इसको दो से कटाओगे तो माइनस ट्वेंटी हो गया। तो अब भाई बेस बेस को बुलाएंगे, है ना, तोहर जाति जहाँ है वहीं शादी करना, ये नहीं कि ससुरा पापा से विवाद करके दूसरा से कर लेना, पता चलेगा घर से भी भगा दिया, ठीक है। आ जाओ तो भाई ये बेस और ये बेस सेम है, और बेस समान है तो गुना में पावर जुड़ता है, गुना में पावर जुड़ता है, तो प्लस बारह दशमलव पाँच। फिर ये देखो सेवन पर पावर कितना हो जाएगा, इक्कीस है प्लस माइनस बीस। अब देखो भाई साढ़े बारह में से साढ़े दस गया तो पाँच पर पावर दो हो गया, अब देखो इक्कीस में से बीस जाएगा सात पर पावर एक हो जाएगा, तो यानी कि पाँच पर पावर दो पच्चीस हो गया, पच्चीस गुना सात करोगे भाई एक सौ पचहत्तर हो गया, पच्चीस गुना सात करोगे कितना हो गया, एक सौ पचहत्तर, आंसर नंबर डी हो गया। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसका कोई जोर नहीं है, है ना, बेजोर है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते इसको समझ गए होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इससे भी जबरदस्त क्वेश्चन है अगला। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए भाई अभी जस्ट हमने ट्रिक्स बताया था, क्या बताया था भाई, कि अगर एक्स पर पावर बेस समान है,
देखिए बेस समान है तो पावर क्या होता है भाई, जुड़ जाता है। पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जब बेस समान में पावर जुड़ता है तो जब पावर प्लस हो तो उसको बेस समान करके गुणा में लिख सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल देखो, एक्स पर पावर एम प्लस टू है, तो एक्स पर पावर एम प्लस टू है तो भाई पावर क्या है, प्लस है। पावर प्लस है तो इसको लिख सकते हैं एक्स पर पावर एम गुना एक्स पर पावर टू, है ना। अब दूसरा देखो, अगर मान लो एक्स पर पावर एम भागा एक्स पर पावर एन है तो ये पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो भाई भागा में घट जाता है, गुना में जुड़ जाता है। तो भाई जब पावर प्लस हो तो उसको बेस समान करके गुना में लिख सकते हैं, जब पावर माइनस हो तो उसको बेस समान करके भागा में लिख सकते हैं। जैसे देखो भाई, एक्स पर पावर एम माइनस टू है, तो एक्स पर पावर एम माइनस टू है तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स पर पावर एम भागा कितना, एक्स पर पावर टू। एक्स पर पावर टू, समझ में आ गई ये बातें। ये बातें समझ में आ गई तो भाई क्वेश्चन देखो डायरेक्ट बन जाएगा, है ना। क्वेश्चन जो है डायरेक्ट बन जाएगा। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो क्वेश्चंस की का औकात है भाई, जो रोक दे क्वेश्चन तो ससुरा वगरा के बनेगा। अच्छा देख लेते हैं भाई, अब देखो सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, क्वेश्चन मिस्टेक था, यहाँ भाई प्लस होगा। टू पे पावर ए प्लस, अब देखो ये पावर माइनस है, ये पावर माइनस है तो बेस समान करके भागा लिख सकते हो भाई, टू पे पावर ए बटे टू पर पावर वन। दूसरा देखो, ये पावर प्लस है, प्लस है तो इसको भाई गुना लिख सकते हैं, अब देखो टू पे पावर ए। अब देखो भाई, दोनों बगल टू पे पावर ए कॉमन आता है, यहाँ भी टू पे पावर ए क्या है, दोनों में है तो दोनों में तो खींच लेंगे। तो अब देखो टू पे पावर ए निकल गया तो भाई बचेगा कितना, वन प्लस वन बाय टू, और यहाँ क्या बचा, टू पे पावर ए दो माइनस एक। अब देखो ये खत्म हो गया, अब देखो एक प्लस वन बटा टू को कितना लिख सकते हो, दुक्का दो एक तीन बटा दो लिख सकते हो, बटा कितना, दो में से एक या एक, तो भाई आंसर तीन बटा दो हो जाएगा, आंसर तीन बटा दो हो जाएगा। ये चौथा क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन देखो पाँच नंबर, उसके बाद आपके लिए होमवर्क है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन टेंशन मत लीजिए भाई, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपके लिए बता रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं, हमारे लिए बस आपका प्यार है, आपका शेयर करना, आपका कमेंट करना, आपका लाइक करना, यही आपका प्यार है हमारे लिए। लेकिन हम आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई, इस तरह का क्वेश्चन देखिए बहुत ही पावरफुल है भाई, इस तरह के क्वेश्चंस को बिना कलम का बना देंगे। अगर आपको बोलोगे हमको आंसर तो भाई देखो, सात चार ग्यारह है ना, चार तीन सात एक आठ, आठ पाँच तेरह, तेरह पाँच आठ, सात पंद्रह, पाँच बीस, भाई दस आंसर हो जाएगा। अब कहोगे कैसे, तो भाई चार तीन सात एक आठ हो गया, आठ सात पंद्रह, पाँच बीस, तो आठ दो दस टका हो गया, तो इसका आंसर दस टका हो जाएगा। लेकिन हुआ कैसे, प्यार हुआ, प्यार हुआ कैसे हुआ, तो नजरे चार हुआ, नजरे चार हुआ तो फिर इकरार हुआ, फिर इकरार हुआ तो इजहार हुआ, और उसके बाद एक्शन स्टार्ट हुआ। तो भाई ये सब चीज़ को भुला दीजिए, है ना, भुला देंगे तुझको सनम धीरे धीरे, आपको मैंने भी गाना सुनाया था, लेकिन भूलना नहीं है, याद रखना है भाई कैसे हो रहा है। देखो भाई सबसे बढ़िया बात बता रहे हैं, देखो क्यूब क्यूब क्यूब, ससुरा ये ससुरा क्यूब जब आता है ना, उस समय हमको क्या करना, फार्मूला यूज करना। भाई देखो क्या है कि अगर यहाँ पर फार्मूला देखो कि अगर दो का कंडीशन मैं बता रहा हूँ, है ना, जब भी ए क्यूब बी क्यूब, अगर ए क्यूब आए बी क्यूब आए तो नो चेकिंग, नो चेकिंग। क्यों, अगर भाई ए क्यूब का फार्मूला है बी क्यूब का फार्मूला है तो नो चेकिंग, नो चेक चेकिंग। क्यों नहीं चेकिंग भाई, ए फोर अच्छा होता है, बी फोर बहुत अच्छा होता है, ए फोर अच्छा आदमी होता है, बी फोर बहुत अच्छा आदमी होता है। भाई आपके घर अच्छा आदमी आए, बहुत अच्छा आदमी होता है, क्या चेक करके घर में घुसाओगे, हैं, पप्पा आया एक मिनट, पप्पा हु आर यू, हु आर यू, पप्पा दिए दनादन, है ना, और मम्मी आए कहेगा रुको एक मिनट चेक करने दो तब अंदर देंगे प्रवेश, नहीं भाई ए फोर अच्छा आदमी होता है, बी फोर बहुत अच्छा आदमी होता है, नो चेकिंग। लेकिन ससुराल के साथ में सी क्यू आ जाए तो सी क्यू आएगा, सी क्यू मतलब क्रिमिनल होता है, सी क्यू मतलब क्रिमिनल होता है, चोर होता है। और जब आपके घर में चोर आए, क्रिमिनल टाइप का आदमी आए, तो चेकिंग होता है कि भाई कुछ बम तम कुछ लेके तो नहीं आए हो, ऐसा नहीं कि ससुरा ब्लास्ट कर जाए। तो भैया ए फोर अच्छा आदमी आए, बी फोर अच्छा बहुत अच्छा आदमी, ए क्यू बी क्यू का कॉन्सेप्ट आए तो नो चेकिंग, सीधा फार्मूला यूज करते हैं। लेकिन ससुरा सिर्फ सी क्यू आए, सी क्यू मतलब क्रिमिनल होता है, जैसे सी क्यू आए तो क्रिमिनल होता है, चोर होता है, जब तक चेकिंग नहीं करोगे तब तक घर में एंट्री नहीं दोगे। तो देखो भाई ए क्यू बी क्यू सी क्यू का कॉन्सेप्ट है, तो पहले चेक करेंगे, पहले क्या चेक करेंगे भाई, चेक करेंगे कि क्या ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो होता है। इफ ए प्लस बी प्लस सी गोज टू जीरो, भाई अगर ए प्लस बी प्लस सी, देखो भाई कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के साथ मैं हर चीज़ दूंगा, बिना कॉन्सेप्ट का कुछ नहीं सिखाऊंगा, है ना, इसलिए कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट पावर होती है, ट्रिक्स तो डायरेक्टली भूल जाओगे, है ना।
अरे ट्रिक जो है ना सारा काला धन है, जब तक सामने है तब तक तोरे है, तोरे खातिर जान देंगे, तू ही मेरा अपना है, तू ही है चांद, तू ही है तारा। लेकिन ससुराल जब बगल हटता है तो दूसरे के पीछे कहता है, ओ माय गॉड, इतना सुंदर तो हम किसी को देखे नहीं, तुम ही तो विश्व सुंदरी हो। अब ससुराल वकरा पीछे वकरा रहा है, अरे खातिर ट्रिक्स जो है ससुराल काला धन है, और ये जो है ओरिजिनल चीज है, कॉन्सेप्ट ओरिजिनल चीज है, इसलिए कॉन्सेप्ट समझो। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो तो यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी बराबर जीरो होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो जीरो होता है। कब जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो तब इतना बराबर जीरो होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो भाई, इफ ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो नहीं है तो अब देखो यहाँ भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस माइनस थ्री ए बी सी बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है भाई, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है, यही फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ए क्यू बी क्यू सी क्यू का कॉन्सेप्ट आए तो पहले चेक कर लेंगे कि भाई ये क्या ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, तो इतना बराबर भी जीरो होगा, अगर जीरो नहीं है तो भाई इतना बराबर जो मेरा ये फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होगा। तो पहले चेक कर लेते हैं कि भाई क्या जीरो है कि नहीं है, तसल्ली ले लेते हैं, है ना, तसल्ली ले लेते हैं कि क्या जीरो होता है कि नहीं। भाई देखो एगो गजल होता था, बहुत अच्छा गजल था, हम तो बहुत बड़ा गजल का फैन है, गजल था तुमसे मिलके तसल्ली मिली है, तुमसे मिलके तसल्ली मिली है बाद होके जुदा क्या मिलेगा। ससुराल सिंपल सी बात है भाई, ककरों से मिलोगे तो तसल्ली मिलेगा ही ना, कि भाई सामने आ गया, जिसे टेलीफोन पर बताते तो वह ससुराल सामने आ गया तो मिलकर तसल्ली होना जरूरी है, बाद होके जुदा क्या मिलेगा, ससुराल जुदा होके क्या मिलेगा, तो ओकरे याद में जीना हो ओकरे तोरे याद में जिएगा। आ जाओ तो अब यहाँ चेक करते कि भाई ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ए बी सी मान लो, ठीक है। तो अब देखो इसको थ्री ए बी सी कह दिए, ए है ए क्यू है बी क्यू है सी क्यू है, थ्री ए बी सी हो गया, थ्री ए बी सी हो गया। तो पहले ये देखो कि भाई इतना बराबर जीरो होता है कि नहीं, तो 1.5 यहीं देखो चेक करो, 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3 इक्वल टू क्या होता है, तो भाई सब बराबर कितना हो गया, 10.0 हो गया। तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा है, तीनों को जोड़ते हैं तो मेरा 10 हो जाता है। तो अब डायरेक्ट वे में देखो भाई, तो ऊपर में ए क्यू है बी क्यू है सी क्यू है माइनस थ्री ए बी सी है, इसका जो फॉर्मूला लिखोगे, इसका जो फॉर्मूला लिखोगे क्या लिखोगे भाई, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी बराबर, जब जीरो नहीं हुआ, अगर जीरो हो जाता तो इतना बराबर भी जीरो होता है, लेकिन जीरो नहीं है तो इतना बराबर मैंने फॉर्मूला लिखा था भैया, 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8, उसके बाद लिखाया था ए स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर प्लस 4.7 का होल स्क्वायर प्लस 3.8 का होल स्क्वायर माइनस ए बी, 1.5 इंटू 4.7 माइनस, इसको हटा देते हैं भाई समझ लेना बाद में आंसर जो आएगा, माइनस 4.7 गुना 3.8 माइनस 3.8 गुना 1.5, यही होता है, यही होता है। अब नीचे में देखो क्या है भाई, नीचे में क्या है, तो 1.5 का होल स्क्वायर है प्लस 4.7 का होल स्क्वायर है 3.8 का होल स्क्वायर है माइनस 1.5 मल्टीपल 4.7, 4.7 मल्टीपल 3.8 माइनस 3.8 मल्टीपल 1.5, ये है। तो अब देखो भाई कि देखो दुनिया में कुछ कटने के लिए आता कुछ नहीं कटने के लिए, तो भाई ये जो है हमेशा इससे कट जाएगा, तो ये तीनों को जोड़ोगे तो आपका आंसर 10 आ जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं बनाना है भाई, ऐसे नहीं बनाना है, इसको डायरेक्ट वे में आंसर लिखना है, डायरेक्ट वे में आंसर लिखना है। तो फिलहाल देखो क्या है ना, फिलहाल से गाना याद आ रहा है, गाना सुना होगा है ना, कुछ ऐसा करो कमाल की तेरा हो जाऊं, किसी और कहूँ मैं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं, ससुराल इस लाइन सुनते तो आत्मा जर जाता है, अभी वो कहता है कि कुछ करो ऐसा करो कमाल तोहर हो जाए, फिलहाल किसी और कहूँ, ससुराल हम कमाल करे हमर हो जाए, बाद में कोई और कमाल करे वकर हो जाएगा, और एकरा से सावधान रहो, अपना मत बनाओ। अब देखो भाई ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी है, तो तीनों को जोड़ते हैं तो जीरो नहीं होता, तो इकरा बराबर फॉर्मूला क्या होता, देखो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है, ये ए बी है, ये बी सी है, ये सी ए है, तो ये सब तो कट जाएगा, ये सब तो कट जाएगा, तो खाली बचेगा कितना मेरा, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, तीनों का मान जोड़ दो 10 हो गया,
ठीक है, समझ में आया? तो भाई आपके लिए होमवर्क देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप उसको बनाओगे, मज़ेदार से बनाओगे, ठीक है। मैं जल्द इस जितना मैं पढ़ाया हूँ उसी से संबंधित होमवर्क देता हूँ। मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप उस क्वेश्चन को बना करके मुझे कमेंट करोगे। चलिए अगला होमवर्क देख, डियर स्टूडेंट यही है होमवर्क। होमवर्क है इफ एक्स बाई टू इक्वल टू वाई बाई फाइव देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई बट एक्स वाई। ऑप्शन है 7, 10/7, 7/10, 7/5। डियर स्टूडेंट आपका आंसर के लिए हम इंतजार करेंगे। कमेंट कीजिएगा, अच्छा वीडियो लगा तो शेयर कीजिए दोस्तों के लिए, और अपने लिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।